हेलो एवरीवन गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एम क्वेश्चंस रिलेटेड टू तो ईस e. डिप्टी डायरेक्टर एग्जाम और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में से डिविडेंड डिसीजन एंड वैल्यूएशन ऑफ द फर्म के एम क्वेश्चंस तो आपको रिमाइंड करा दूँ हम कर क्या रहे हैं हम चैप्टर वाइज एम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सारे चैप्टर्स के एम सी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए अगर वो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो आप क... उन सारी वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, में मेंशन कर दिया है तो आप उन्हें देख लीजिए अब उसके बाद हमने क्या किया जो हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसके चैप्टर वाइज एम सी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और आज हम एम सी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डिविडेंड डिसीजन एंड वैल्यूएशन ऑफ द फर्म के ठीक है अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ई एस आई डिप्टी डायरेक्टर अनु जिंदल पर पूछ सकते हैं ठीक है और आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और इजिली अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं ऐप पे आपको डेली जी के क्विजेज़ टॉपर स्ट्रेटेजीज पास ईयर पेपर्स एग्जाम अपडेट्स लाइव वीडियो सेशंस और मंथली जी के मिल जाएगी और अगर अभी तक आपने कोर्स में इनरोल नहीं किया है तो जल्दी से इनरोल कर लो एग्जाम आने ही वाला है तो जल्दी से अनुजिंदल डॉट इन पर जाओ वहाँ पे बाय कोर्सेज पे जाके ई एस आई के फोल्डर पे जाके इनरोल कर लो तो चलें अब अपने एम सी की और तो फर्स्ट एम सी क्वेश्चन क्या है द डिविडेंड पे आउट रेशियो इज़ इक्वल टू जो डिविडेंड पे आउट रेशियो होती है वो किसके इक्वल होती है डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाई ई पी एस डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाई फेस वैल्यू पर शेयर डिडेंट पर शेयर डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस पर शेयर कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लस डिविडेंट ये डिविडेंट पे आउट रेशियो इज इक्वल टू विच आपको बताना इन चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है ठीक है आंसर देने से पहले हमें करना क्या है एक पेज निकाल लेना है उधर फाइव क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे तो आपको फाइव वन टू फाइव मार्क कर लेना है और चेक करना है कि फाइव में से कितने आंसर आपके ठीक होते हैं अगर मैक्सिमम क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो वेल एंड गुड और अगर मैक्सिमम क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आपको इस चैप्टर को रिविजिट करना है या फिर रिवाइज करना है ठीक है अच्छा सर कुछ टर्म्स डिस्कस कर लें ईपीएस क्या होता है ईपीएस का इधर मतलब है है अर्निंग पर शेयर ठीक फेस वैल्यू क्या हो गया कि जितने का वो शेयर है मार्केट प्राइस जो स्टॉक एक्सचेंज में उस डे प्राइस चल रहा है और डिविडेंडी डिविडेंड कितना रिटर्न दे रहा है वो शेयर तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं डिविडेंड होता क्या अगर मैं अपनी वही शीट को रिवाइज करूं तो सबसे पहले होता क्या है सेल्स सेल्स में से जब हम सेल्स में से जब हम अपनी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन में से जब हम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है ईबीआईटी ईबीआईटी विल फॉर्म अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स फिर हम इसमें से इंटरेस्ट इंट्रे, को डिडक्ट करते हैं तो हमारे पास बचता है ई बी टी दैट इज अर्निंग बिफोर टैक्स उसके बाद टैक्स को डिडक्ट किया जाता है तो ये आ जाता है हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ठीक है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से फिर क्या होता है प्रेफरेंस डिविडेंड पे किया जाता है प्रेफरेंस डिविडेंड के बाद जो भी अमाउंट बचती है ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है इक्विटी शेयर होल्डर्स में या फिर हम इसे बोल देते हैं अर्निंग्स फॉर अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स ठीक है जो अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स होती है उसको हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से वो हमारा आ जाता है ईपीएस अर्निंग पर शेयर ठीक है अब जरूरी नहीं है कि कंपनी ये पूरी की पूरी अमाउंट पूरी की पूरी ईपीएस की अमाउंट एज ए डिविडेंड डिक्लेयर कर दे कंपनी क्या करती है इसमें से कुछ पोर्शन रिटेन कर लेती है और कुछ पोर्शन एज ए डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है समझ आ गया तो जो डिविडेंड वाली अमाउंट होती है दैट इज डिविडेंड पे आउट रेशियो कि लेट सपोज अगर कंपनी का अर्निंग पर शेयर टेन रुपीज निकला और उसमें से कंपनी ने फोर रुपीज का डिविडेंड डिक्लेयर किया और सिक्स रुपीज रिटेन कर लिए रिटेन कर लिए मतलब सेव कर लिए तो जो डिविडेंड बोलू फोर्टी परसेंट मतलब अपना कंपनी ईपीएस का कितना प्रपोर्शन एज ए डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है दैट इज डिविडेंड पे आउट रेशियो अर्निंग पर शेयर का कितना प्रपोर्शन एज ए डिविडेंट डिक्लेयर किया जा रहा है दैट इज डिविडेंट पे आउट रेशियो तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर ठीक है समझ आ गया तो आंसर का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ फर्म कैपिटल लेस देन Required रेट ऑफ रिटर्न या फिर रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट द वॉल्टर्स मॉडल सजेस्ट फॉर जीरो पे आउट हंड्रेड परसेंट पे आउट फिफ्टी परसेंट पे आउट ट्वेंटी फाइव परसेंट पे आउट देखो जब हम डिविडेंड डिसीजन मॉडल्स की बात करते हैं तो इसमें हम मॉडल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं अगर याद हो तो कौन से दो मॉडल्स एक तो वो जो कहते हैं कि डिविडेंड डिक्लेयर करना रिलेवेंट है फॉर वैल्यूएशन ऑफ फर्म और दूसरे वो जो कहते हैं इ है रेलिवेंट के अंदर हमने दो मॉडल्स पढ़े हैं वॉल्टर और गॉर्डन मॉडल और इेलिवेंट के अंदर दो मॉडल्स होते हैं एक तो रेजिडेंशियल थोरी और दूसरी क्या है हमारा एमएम MM हाइपोथेसिस ये दो क्या कहते हैं वॉल्टर और गॉर्डन मॉडल कि हमारा डिविडेंड डिक्लेयर करना रेलिवेंट है उससे वैल्यू ऑफ द फर्म को इफेक्ट पड़ता है वैल्यू ऑफ द फर्म चेंज होती है और इेलिवेंट में क्या है कि वो बोलते हैं कि डिविडेंड चाहे डिक्लेयर करो या नहीं करो द वैल्यू ऑफ द फर्म वुड रिमेन सेम अब वॉल्टर मॉडल में उन्होंने बताया कि कब हमें डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहिए तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा कि जब हमारा कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोलूं, जो कि के ई है और जो हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है अगर हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन्होंने तीन कंडीशंस बनाई कौन सी तीन कंडीशंस कंडीशंस बनाई बनाई तीन conditions कि अगर हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी लेस देन है रिटर्न अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू रिटर्न है अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी ग्रेटर देन रिटर्न है तो वो क्या कहते हैं कि अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी लेस देन रिटर्न है मतलब बिजनेस के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है एज कंपेयर टू कॉस्ट इक्विटी तो बिजनेस को करना क्या चाहिए कि सारा का सारा रिटेन करना कर लेना चाहिए क्या करना चाहिए हंड्रेड परसेंट रिटेन कर लेना चाहिए और इन्वेस्ट कर देना चाहिए उस प्रोजेक्ट में इससे होगा क्या जो प्राइस ऑफ द शेयर्स हैं जो प्राइस ऑफ द शेयर्स हैं वो इंक्रीज कर जाएंगे मतलब अगर के ई लेस देन है आर और कंपनी जीरो परसेंट रिटेन कर रही है तो प्राइस ऑफ द शेयर कम रहेगा वहीं अगर हंड्रेड परसेंट रिटेन कर रही है तो प्राइस ऑफ द शेयर इंक्रीज कर जाएगा वहीं अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू आर तो क्या कह रहे हैं यहां पे कंपनी इनडिफरेंट रह सकती है इनडिफरेंट का मतलब चाहे वो रिटेन करे चाहे पे आउट करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऑन द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म वहीं अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज ग्रेटर देन आर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो यहां पे क्या कंपनी को करना चाहिए सारा का सारा पे आउट कर देना चाहिए मतलब जीरो परसेंट रिटेन करना चाहिए जीरो परसेंट रिटेन करना चाहिए ठीक है उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए तो यहां पे क्वेश्चन क्या है के इज इज लेस देन आर के इज लेस देन आर मतलब कंपनी को कितना हंड्रेड परसेंट रिटेन करना चाहिए जब कंपनी हंड्रेड परसेंट रिटेन कर रही है तो मतलब पे आउट कितना कर रही है सर पे आउट मतलब जीरो कर रही है अगर कंपनी टेन रुपीज अर्न कर रही है टेन में से टेन ही रिटेन कर रही है तो कितना एज ए डिविडेंट डिक्लेयर कर रही है कितना पे आउट कर रही है जीरो परसेंट तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर ए जीरो परसेंट ठीक है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जीरो परसेंट चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट इज गिवन बाई वॉल्टर्स मॉडल गॉर्डन मॉडल एम एम मॉडल या रेजिडल थ्योरी अभी मैंने बताया चार थ्योरीज थी उनमें से किस में बर्ड इन हैंड की आर्ग्यूमेंट है किसने बर्ड इन हैंड के बारे में डिस्कस किया वॉल्टर मॉडल में गॉर्डन मॉडल में एम एम मॉडल में रेजिडल थ्योरी में ये दो थ्योरी इरेलीवेंट वाली ये दो थ्योरी रेलिवेंट वाली मतलब ये दो मॉडल्स कहते हैं कि डिविडेंट इज रेलिवेंट फॉर दैल्यूएशन ऑफ द फर्म इधर कहते हैं डिविडेंड इज कि डिविडेंड डिक्लेयर करे या ना करें कंपनी वैल्यू ऑफ फर्म रिमेन दी किस में कहा है बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट तो हमारी बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट है क्या पहले वो बताता हूं तो बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट क्या है बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट क्या है कि मॉडल में कहा गया है कि इन्वेस्टर इन्वेस्टर प्रेफर करेगा अभी करंट डिविडेंडेंट लेना एज कंपेयर टू एज कंपेयर टू फ्यूचर राइज इन प्राइजेस एज कंपेयर टू फ्यूचर राइज इन प्राइजेस मतलब उसने कहा है, उस मॉडल में कहा गया है कि अगर कोई इन्वेस्टर है अगर कोई इन्वेस्टर है और उसके बाद दो ऑप्शंस हैं, कि या तो आप अभी डिविडेंड ले लो या दूसरा ऑप्शन है कि हम अभी डिविडेंड पे नहीं कर रहे लेकिन इसी पैसे को कंपनी अगर कहीं कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं जिससे होगा क्या आपका मार्केट प्राइस फ्यूचर में इंक्रीज कर जाएगा तो हर एक इन्वेस्टर चाहेगा क्या कि उसे आज की आज डिविडेंड मिल जाए दैट इज बर्ड इन हैंड मतलब जो अभी हमारे पास है हम उसमें खुश होंगे ठीक एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं कि लेट सपोज मैंने आपको कहा कि आप हंड्रेड रुपीज अभी ले लो वन हंड्रेड टेन दो साल बाद लेना तो बर्ड इन हैंड क्या कहता है कि इन्वेस्टर प्रेफर करेगा कि वो हंड्रेड रुपीज आज ले क्योंकि वो श्योर है कि हंड्रेड एटलीस्ट आज मिल रहे हैं फ्यूचर की श्योरिटी नहीं है कि मिलेंगे या नहीं, नहीं मिलेंगे दैट इज बर्ड इन हैंड कि जो अभी मेरे हाथ में है वो इंपॉर्टेंट है वो उसको मैं ज्यादा वैल्यू करूंगा एज कंपेयर टू जो फ्यूचर में मिलने वाला है तो कौन से मॉडल में बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट दी है तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास गॉर्डन मॉडल गॉर्डन मॉडल के अंदर बोला गया है कि इन्वेस्टर प्रेफर करते हैं करंट डिविडेंड एज कंपेयर टू फ्यूचर राइज इन प्राइसेस। इसी वजह से जो वैल्यू ऑफ फ़र्म अगर डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो अफेक्ट होती है ठीक है समय आ गया तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गॉर्डन मॉडल चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्स लिमिटेड इज गिवन अर्निंग पर शेयर रुपीज टेन कॉन्स्टेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल जीरो पॉइंट वन रेट ऑफ रिटर्न फिफ्टीन परसेंट पे आउट रेशियो एटी परसेंट फाइंड आउट मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर एज पर मॉडल अभी हमने गॉर्डेंस मॉडल की बात करी है ना अब उसी से उन्होंने बोला हुआ है कि वो निकाल के दिखाओ क्या कहते हैं मार्केट प्राइस तो गॉर्डन मॉडल और वॉल्टर मॉडल हमें प्राइस निकालने का फॉर्मूला देते हैं तो गॉर्डन मॉडल के अंदर प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या है जो प्राइस होगा जो प्राइस होगा वो किसके बराबर होगा अर्निंग्स प्लस वन माइनस बी में कॉस्ट ऑफ इक्विटी इनटू बी आर इधर ये ई e क्या है अर्निंग्स बी क्या है हमारा बी है हमारा रिटेंशन रेशियो आर क्या है आर है रेट ऑफ रिटर्न के ई है कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये है अर्निंग पर शेयर तो अगर ये हम वैल्यू पुट कर देंगे तो अर्निंग कितनी है टेन रुपीज वन माइनस हमारा रिटेंशन रेशियो कितना है देखो पे आउट रेशियो दे रखा 80%. 80 है एट्टी परसेंट अगर पे आउट रेशियो एट्टी परसेंट तो ऑबियसर रिटेंशन रेशियो कितना होगा ट्वेंटी परसेंट मतलब अगर कंपनी पे कर रही है एट्टी परसेंट तो से मतलब रिटेन कितना कर रही होगी ट्वेंटी परसेंट तो जीरो पॉइंट टू अपॉन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी दे रखी है कॉस्ट ऑफ इक्विटी या कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी 0.1 बी आर बी कितना है बी अभी हमने कैलकुलेट करा 0.2 इनटू फिर हमारा आगे आर रेट ऑफ रिटर्न 15% 0.15 ठीक समय आ गया अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 114.28 समथिंग तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वन हंड्रेड फोर्टीन पॉइंट थ्री ठीक समझ आ गया अच्छा अगर मैं बोलूँ ये तो गॉर्डन मॉडल की बात हो गई अगर मैं बोलूँ वॉल्टर्स मॉडल के अकॉर्डिंग प्राइस क्या होता था तो वॉल्टर मॉडल का प्राइस का फॉर्मूला क्या है जो हमारा मार्केट प्राइस होगा दैट इज इक्वल टू डिविडेंड प्लस आर अपॉन में के ई अर्निंग्स माइनस डिविडेंड अपॉन में के ई तो ये हमारा वॉल्टर्स का मॉडल के अकॉर्डिंग हो गया याद रखना ठीक है चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंडर विच डिविडेंट पॉलिसी शेयर होल्डर्स आर गिवन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंट इेस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल अर्निंग्स द अमाउंट ऑफ डिडेंट में इंक्रीज और डिक्रीज लेटर डिपेंडिंग अपॉन दाइनेंशियल दट इजरली मेनटेड फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड कॉन्स्टेंट डिविडेंट पर शेयर कॉन्स्टेंट परसेंटेज ऑफ नेट अर्निंग स्मॉल कॉन्स्टेंट डिविडेंट पर शेयर प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंट या नन ऑफ दबव तो यहां पर हमारी बात करी गई है डिविडेंट पॉलिसी की कौन सी डिविडेंट पॉलिसी है जिसमें फिक्सड अमाउंट ऑफ डिविडेंट दिया जाता है इर रिस्पेक्टिव यहां क्या लिखा है इर रिस्पेक्टिव ऑफ अर्निंग्स ठीक है ऑफ अर्निंग्स तो देखो अब एक इन सबको डिस्कस कर लो तो इनमें होता क्या है कॉन्स्टेंट मतलब क्या है कंपनी एक फिक्स अमाउंट ऑफ अगर मैं डायग्राम बनाऊं फिक्सड अमाउंट ऑफ डिविडेंड देगी हर एक साल फ्यूचर में माइट भी इंक्रीज कर दे फिर फिक्सड रहेगा कई सालों तक फिर माइट भी डिक्रीज कर दे या इंक्रीज कर दे लेकिन फिक्सड रहेगा कई टाइम तक अगर कंपनी पांच रुपए डिविडन दे रही है पांच अगर दस रुपये दे रही है, दस 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 कई सालों तक दैट इज कॉन्स्टेंट डिविडेंट पर शेयर फिर आता है कांस्टेंट परसेंटेज ऑफ नेट अर्निंग्स कांस्टेंट परसेंट ऑफ नेट अर्निंग्स मतलब कंपनी ने डिसाइड कर लिया जो भी ईपीएस होगा लेट सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ जो भी ईपीएस होगा उसका 20 परसेंट हम डिविडेंड देंगे तो अगर कंपनी का ईपीएस आया 10 तो कंपनी डिविडेंड कितने दे देगी टू रुपेज का अगर कंपनी का ई आया थर्टी तो कितने का डिविडेंड दे देगी थर्टी का ट्वेंटी परसेंट कितना हो जाएगा सिक्स का डिविडेंट देगी दे दे फिर अगर ईपीएस आया एट तो उसका ट्वेंटी परसेंट दे देगी दे तो इधर क्या है हमारा डिविडेंड फ्लक्चुएट हो रहा है अमाउंट फिर आता है स्मॉल कॉन्स्टेंट डिविडेंड पर शेयर प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड मतलब एक तो फिक्स कर दिया लेकिन एक्स्ट्रा देती रहेगी कभी ना कभार कभी कभार एक्स्ट्रा देगी लेकिन एक कॉन्स्टेंट अमाउंट फिक्स है फिर आता है नन ऑफ अबव तो इसका करेक्ट आंसर आपको अब तक पता चल चुका होगा क्या है ऑप्शन नंबर ए कॉन्स्टेंट डिविडेंड पर शेयर क्योंकि कोई डिपेंड नहीं करता कि हमारी अर्निंग्स कितनी है इर ऑफ एक्चुअल अर्निंग्स बोला है ना क्वेश्चन में इर ऑफ एक्चुअल अर्निंग्स ठीक है ये हो गए हमारे फाइव क्वेश्चन तो कितने सही हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बताओ और हर बार की तरह लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है क्या क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एमएम मॉडल एमएम मॉडल के अकॉर्डिंग कौन सा ट्रू नहीं है शेयर प्राइस गोज अप इफ डिविडेंड इज पेड शेयर प्राइस गोज डाउन इफ डिविडेंड इज नॉट पेड मार्केट वैल्यू इज अनफेक्टेड बाई डिविडेंड पॉलिसी ऑल दी अब विच इज नॉट ट्रू फॉर एम एम मॉडल ठीक सो दैट्स ऑल फॉर टूडे और अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो और हमारा नेक्स्ट सेक्शन होगा सेशन होगा थर्सडे को टू पी एम तो रिमाइंड रखना और कोई भी डाउट्स है टेलीग्राम चैनल पे या कमेंट बॉक्स पे आप मुझसे पूछ सकते हैं सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बाय बाय टेक केयर सी यू सून